ग्लोबल मार्केट यानी कि यूएस मार्केट में इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, यहाँ पर कितने इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होते हैं, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट किया जाता है और कौन से प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके आप ग्लोबल मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, हर एक चीज के बारे में आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो एज यूजुअल हमारा आज का वीडियो भी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना। सबसे पहले बात करते हैं कि आपको यूएस के मार्केट में यानी कि ग्लोबल मार्केट में इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, आपको बेनिफिट क्या क्या मिलता है। अगर आप ग्लोबल मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर आपको डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट मिलता है, और अगर आप ग्लोबल मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तब यहाँ पर आपके सामने अपॉर्चुनिटी आती है जहां पर आप लोग एप्पल में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप फेसबुक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप माइक्रोसॉफ्ट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यूजुअली अगर मैं इन कंपनीज के शेयर्स की प्राइस की बात करूं तो इन कंपनीज के शेयर्स की प्राइस बहुत ज्यादा होती है, लेकिन अगर आप यूएस मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यूएस मार्केट में आप फ्रैक्शन में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मतलब आप 100 रुपए से भी इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं ग्लोबल कंपनीज में। आप 100 रुपीज का इन्वेस्टमेंट करके आप एप्पल के शेयर ले सकते हैं, आप माइक्रोसॉफ्ट के शेयर ले सकते हैं, आप अमेजोन के शेयर ले सकते हैं, बहुत सारी कंपनीज के शेयर ले सकते हैं। और जिस तरीके से आप इंडिया के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जितने ऑप्शन इंडिया के स्टॉक मार्केट में हैं, उतने ही ऑप्शन आपको यूएस के यानी कि ग्लोबल स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के ऑप्शन में मिलेंगे। आप ग्लोबल मार्केट में डायरेक्टली इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप ग्लोबल मार्केट के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप ETF में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। आई होप कि आपको अभी तक की वीडियो में ये तो पता चल गया है कि ग्लोबल मार्केट में इन्वेस्टमेंट क्यों करना है और ग्लोबल मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के क्या क्या फायदे होते हैं। लेकिन अगर आप ग्लोबल मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका ये जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि ग्लोबल मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने पर आपको कितने रिटर्न्स मिलेंगे। देखो, इस बात का प्रेडिक्शन लगाना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है कि आपको कितने रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे, क्योंकि मार्केट वोलेटाइल होता है तो मेजॉरिटी केसेस में मार्केट को ट्रैक कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप ग्लोबल मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप ग्लोबल मार्केट में 15-18% तक के रिटर्न आराम से कमा पाएंगे। डिपेंड करता है कि मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है और आपने कहां पर इन्वेस्टमेंट किया है। अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो आपको डायरेक्ट इक्विटीज में इन्वेस्टमेंट करना है, अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आई होप कि अभी तक की वीडियो में आपको सारी की सारी चीजें क्लियर हो चुकी होगी। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। ग्लोबल मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप INDMoney एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्लोबल मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए मैं इसी एप्लीकेशन को प्रीफर करता हूं। INDMoney के साथ अकाउंट ओपन करने के लिए लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर जाकर आपको INDMoney एप्लीकेशन के साथ अकाउंट ओपन करना है। जिस तरीके से इंडिया के स्टॉक ब्रोकर के साथ आप डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं, उसी तरीके से आपको यहां पर डीमैट अकाउंट ओपन करना है। अब जैसे आप INDMoney के साथ अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको INDMoney एप्लीकेशन में ये वाला स्क्रीन देखने को मिलेगा। अब अगर आप इस एप्लीकेशन पर देखेंगे तो यहां पर बहुत सारे ऑप्शन है। आप INDMoney में स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप FD में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आपको मिनी सेव का ऑप्शन मिलता है जहां पर आप छोटी छोटी सेविंग्स कर सकते हैं। INDMoney एप्लीकेशन का अकाउंट ओपन होने के बाद आप यूएस के मार्केट में आराम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप क्रेडिट कार्ड को मैनेज भी इस एप्लीकेशन से कर सकते हैं। INDMoney एप्लीकेशन के प्लेटफॉर्म का इंटरफेस भी काफी ज्यादा स्मूथ है। यहां पर सबसे पहले आपको फंड्स को ऐड करना है, उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है कि कौन से कंपनी के शेयर्स में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। जैसे आप इन्वेस्टमेंट ऑप्शन का सिलेक्शन करेंगे वैसे ही आपको प्रोसीड करके पेमेंट करना है। अगर आप ग्लोबल मार्केट में लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ग्लोबल मार्केट में लमसम इन्वेस्टमेंट करने का ऑप्शन भी अवेलेबल है। अगर आप लोग SIP करना चाहते हैं तो SIP करने का ऑप्शन भी अवेलेबल है। और INDMoney एप्लीकेशन के साथ डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए आपको डॉक्यूमेंटेशन करना है और अपनी पर्सनल डिटेल का इस्तेमाल करके अकाउंट को ओपन करना है। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। होप करता हूं कि आज की वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा है। अगर आपने आज की इस वीडियो से कुछ नया सीखा है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। इसी के साथ साथ मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।